Hello friends, welcome back to my channel Cook with Alicia. So happy Navratri to all of you. So आज हम बनाएंगे नवरात्रि फलाहार कबाब. सो आप इसे पनीर आलू की टिक्की भी बोल सकते हो या फिर आप कबाब भी बोल सकते हो. सो उसके लिए हमने ली हैं 3 बॉयल्ड पोटैटोज, पनीर साथ में हमने लिया है 2 स्पून कुट्टू का आटा, सम फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज एंड कोरिएंडर लीव्स, 1 स्पून हमने लिया है ज़ीरा पाउडर, सम स्पाइसेस, सॉल्ट हमने लिया है, सेंधा नमक, साथ में हमने लिया है चाट मसाला और रेड चिली बिकॉज ये वर्थ का है. सो बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस एंड थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर. सो ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स. सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम इनको मैश करते हैं. सबसे पहले हम लेंगे, अच्छे से बिल्कुल मैश करना है, बीच में कोई भी लम्स ना, अच्छे से इसको मैश करेंगे अपने आलू को. हमारे आलू अच्छे से देखिए मैश हो गए, बिल्कुल भी लम्स नहीं, एकदम स्मूथ हो गए हैं. अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पनीर. सो हम हाफ पनीर ऐड करेंगे इसमें. तो हमने पनीर भी ऐड कर लिया अपना. अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर. सो साथ में भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, जिंजर एंड अपने स्पाइसेस. सब कुछ डाले, अब हम ऐड करेंगे इसमें 2 स्पून कुट्टू का आटा. बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो आटा, हमें बस अच्छी इसकी बाइंडिंग चाहिए कि अच्छे से बंध जाए. सो इसलिए हमने आटा ऐड किया है, 1 से 2 स्पून आई गेस बहुत होगा. अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हो. सो अब हम इसको अच्छे से अपने हाथों से कर लेंगे मिक्स, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, देन हम बनाएंगे इसकी टिक्की. सो हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया. इसमें हमने पनीर ज़्यादा और आलू की क्वांटिटी कम रखी है. सो आप चाहे तो आलू ज़्यादा रख ले या पनीर ज़्यादा रख ले, बट ये मैंने पनीर ज़्यादा रखी बिकॉज मैं उसमें पनीर के कबाब बना रही हूँ. सो आलू से डाला बिकॉज आलू से अच्छी बाइंडिंग हो जाती है. इसकी छोटी छोटी टिक्की की शेप में आप छोटी कर लो, लंबी करो, जैसे भी आपको शेप पसंद है, सिलेंडर कर लो, सर्कल कर लो, मतलब हमें खाने से है. सो आप इसकी कोई भी शेप कर सकते हो. सो मैं तो सबको इसको बनाऊँगी गोल ऐसा टिक्की की शेप में. सो मीनवाइल मैंने अपना तवा गर्म होने के लिए रख दिया है. सो अब हम ये बनाते हैं इसकी टिक्की. लेंगे थोड़ा सा बैटर, इसको अच्छे से हम राउंड 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 कर लेंगे, देन इसको हल्के से हम प्रेस कर लेंगे एज अ टिक्की की शेप. आप चाहे तो गोल बना लो या फिर सिलेंडर बना लो, जैसे भी बना लो. हमारी गली में तो लड्डू आ गए हैं. सो हमारी ये टिक्की बन गई है, ऐसे ही हम सभी टिक्की तैयार कर लेंगे. अपने पैन पे अच्छे से घी डाल दिया है, अब हम डाल देंगे अपनी टिक्की. सो हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हो. आप हल्का हल्का इसके ऊपर आटा लगाकर इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मैं शैलो फ्राई करूँगी. शैलो फ्राई इज़ अ गुड ऑप्शन, हेल्थी ऑप्शन होता है डीप फ्राई से. तो हम शैलो फ्राई करेंगे अपनी टिक्की को. सभी ऐसे ही मैं बाकी भी बना लूँगी. सो मैं बाकी टिक्की भी बनाती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ. हमने अपनी सारी टिक्की पैन में डाल दी है. पैन को हमने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, पहले लो में पकाएंगे फिर हम इसको हाई कर देंगे. सो हमारी 5 टिक्कीज बनी हैं इतने बैटर से. हमारी टिक्की एक साइड से हो गई तो मैंने इसको फ्लिप कर दिया है. सो ये हमारी सभी मैंने फ्लिप कर दी, ये भी 2 हो रही हैं. सो इसको हम होने देते हैं अच्छे से, एकदम क्रिस्पी करेंगे फिर ही मज़ा आएगा. अच्छे से आप ऐसे से रोटेट करते रहो ताकि सभी के अंदर घी चला जाए अच्छे से. तो आप नॉन स्टिक पे ही बनाइए ताकि ये नीचे से चिपके ना, वरना चिपक जाएंगी. सो आप नॉन स्टिक पे ही बनाइएगा. सो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम बस इसको धीरे धीरे होने देते हैं कुक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये कुक हो जाएंगी. बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी लगेंगी आपको. वर्थ में तो वैसे ही होता है कभी कभी कि सब कुछ खा लिया होता तो अजीब सा मुंह का टेस्ट होता, तो वैसे ये अच्छी बहुत बनेगी. सो मुंह का हमारा टेस्ट भी एकदम चेंज हो जाएगा. सो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे बहुत ही अच्छी है और क्विक बन जाएगी. बस हमें पोटैटो चाहिए, पनीर चाहिए, दैट्स इट. सो ये बन जाएगी. ये हमारी दूसरी साइड से भी एकदम अच्छे से क्रिस्पी लेयर सी आ गई है ऊपर, आप देख रही है ना कितनी अच्छी सी क्रिस्पी हो गई. बस इसको थोड़ा 2-3 मिनट और करेंगे एंड ये हो जाएगी बहुत ही अच्छी, एकदम क्रिस्पी लेयर आ गई है ऊपर, देख सकते हैं आप बिल्कुल क्रिस्पी सी हमारी टिक्की है रेडी. सो प्लेटिंग भी मैंने कर ली है, इस पर ऐसे करूँगी और एक आपको चाट बनाकर भी दिखाऊँगी टिक्की की. सो दोनों तरफ से दिखाती हूँ आपको. हमारी टिक्की से रेडी एकदम क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हो कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी पनीर टिक्की है रेडी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है. सो ये है हमारी टिक्की, अब मैं आपको चाट बनाकर भी दिखाती हूँ. ये हमारी बिल्कुल क्रिस्पी से एकदम, आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी टिक्की बनी है. सो इसे मैंने सर्व किया ग्रीन चटनी के साथ, ये भी मैंने घर पे ही बनाई है, धनिया और पुदीने की एकदम सात्विक है. सो ये हमारी टिक्की है रेडी, खाइए और इन्जॉय कीजिए. बनाते हैं इसकी चाट. सो हम अपनी टिक्की लेंगे, इसको रखेंगे, सो हम 2 टिक्की ले लेते हैं. सो ये हमने 2 टिक्की ले ली, अब हम इस पर डालेंगे मूली की ग्रेट की हुई मूली.
ये हमारी बहुत अच्छी चाट लगेगी। अब हम डालेंगे इसमें अपनी चटनियाँ। ये है मेरे पास सौंठ की चटनी, ये भी मैंने घर पे बनाई हुई, ऑलरेडी रेसिपी डाली हुई है, ये अगर नहीं डाली तो मैं डाल दूँगी। एंड ग्रीन चटनी, तो ये बहुत ही अच्छी चाट लगती है, ऐसे एकदम चटपटा सा हो जाएगा। हमारी दोनों तरह से टिक्की है रेडी। एक तो हमने ये बना ली, प्लेटर, ऐसा प्लेटर सर्व कर सकते हैं अगर हम, और एज हम चाट भी सर्व कर सकते हैं, थोड़ी सी मूली ग्रेट करके ऊपर से थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी रेड चटनी डाल के, आप चाहे तो उसमें दही भी डाल सकते हो, अनार के दाने, जो भी आप डाल सकते हो। ये है हमारी रेडी। खाइए और इंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।